हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। फिलहाल टाइम हो रहा है 8। आज मैं फिर से लेट उठा क्योंकि रात को हम 12 बजे सोए थे, तो अभी बज रहे हैं 8। तो मैं उठ चुका हूँ, अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हो लिया, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। आज ब्रेकफास्ट में मैंने पूरी और छोले खाए, और इस वक्त मैं छत पे हूँ और नीचे तो डीजे सिस्टम चालू है, कल से चालू है, अभी भी चालू है। और पीछे ये देख रहे हो आप, पीछे एनिमल का वो घर है जहाँ पे एनिमल रखते हैं, ये टीन, इसके नीचे वो एनिमल्स हैं जहाँ पे वो रहते हैं। आज मौसम भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, मतलब बदल सा है कि आज तो बारात जानी है, तो बदल सा है, इस पता नहीं कि कब भी बारिश पड़ सकती है। और कुछ लोग आ रहे हैं हमारे घर पे, और मेरे पास मेरे दोस्त खड़े हैं फिलहाल तो। और अभी मैं जस्ट तैयार होना है, हमने पहले तो मैं तैयार हो चुका हूँ, लेकिन अभी हम फिर से तैयार होंगे। कल मैं आया हूँ नीचे कमरे के अंदर, तो यहाँ पे बिल्कुल खाली कमरा है और यहाँ पे सिर्फ मास्टर जी लेटे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं। और ये मेरा लाइटिंग सेटअप, ये मैंने 3000 का लिया है ये फुल। चल मैं आया हूँ ड्राइंग रूम के अंदर, तो यहाँ पे मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे, ये मेरे ही रिश्तेदार हैं मतलब जो हैं, और ये काफी गेम खेल रहे हैं। और ये यहाँ पे मतलब पूरे सोफे लग चुके हैं, और हमें मेरे मास्टर भी फोन चला रहे हैं, थोड़ा कम फोन चलाया करो। और ये प्राइस मिला है मेरे नानू को, चेयरमैन कुछ है ये। सो गाइस, सभी रेडी हो चुके हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। और बाहर इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम बूटना लगाने का, जो मामू को लगाना है बूटना। उसके बाद शाम को 6 बजे या 7 बजे के तकरीबन जाएगी बारात। तो फिलहाल बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो चलिए चलते हैं बाहर, बाहर देखते हैं बाहर कैसा माहौल है। सो गाइस, यार सीन कुछ ऐसा है कि बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है, दूर दूर तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो उनको जो बूटना लगाना था वो तो हमने लगा लिया छाता लेके, और जो नानी नानू है वो तो मतलब बैठ के एक जगह पे कि अब क्या होगा कैसे होगा, तो बहुत बहुत बारिश है। सो इसलिए मतलब पूरा मजा बेकार कर दिया, जो डीजे सिस्टम है वो तो बंद कर दिया टोटली, और सभी अपने अपने घरों के अंदर घुस चुके हैं। जितने भी गेस्ट आए थे वो तो अभी इधर ही हैं, और बाकी जो मल्ले गए थे वो तो अपने घर चले गए वापस। बाकी कमरे तो बुक हैं, मुझे सिर्फ यही कमरा मिला जो मतलब खाली है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 2-3 ही हैं बैठे हैं, तो ये मुझे बनाने के लिए मिला वीडियो, सो थैंक यू फॉर दैट। वाह क्या सीन है। I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. तो गाइस यार नीचे चल रहा है डांस, और हम ऊपर फोटो खिंचवा रहे हैं, ये सभी सभी फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे, और कुछ लोग वो आ रहे हैं। यहाँ का इलाका बहुत अच्छा इलाका है, और समय बदला तो एकदम मजा आ रहा है, और हमारे गौरव हार लवर हम है भी और ये भी, सो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और अभी मेरी शर्ट सूख रही है, सुबह मैंने धुलाने के लिए किया था। गाइस यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि बारिश बारिश हो रही है भाई, बाहर बहुत ही बारिश हो रही है, ये देखो पूरी बारिश हो रही है। और शिट, और पूरा प्रोग्राम खत्म, मतलब अब जो वो मजा नहीं आएगा जो पहले मजा आता था, अब वो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। और वो देखो पूरा कैमरा गिला हो चुका है मेरा, ऊपर बिल्कुल ब्लैक हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कि दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी तेज बारिश है। और आवाज़ तो ये रही होगी बारिश की, देखो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो अभी क्या करें समय नहीं आ रहा है। I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire. कितनी बारिश है, मतलब सब कुछ खराब कर दिया है, और इतनी बारिश है, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ आपको बताने के लिए, तो सारा प्लान चौपट हो गया, जो भी था सब गड़बड़ हो गया। सीन कुछ ऐसा है कि बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है, दूर दूर तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो उनको जो बूटना लगाना था वो तो हमने लगा लिया छाता लेके, और जो नानी नानू है वो तो मतलब बैठ के एक जगह पे कि अब क्या होगा कैसे होगा, सो इसलिए मतलब पूरा मजा बेकार कर दिया, जो डीजे सिस्टम है वो तो बंद कर दिया टोटली।
और सभी अपने अपने घरों के अंदर घुस चुके हैं। जितने भी गेस्ट आए थे वो तो अभी इधर ही हैं, और बाकी जो मन ले गए थे वो तो अपने घर चले गए वापस। बाकी कमरे तो बुक हैं, मुझे सिर्फ ये कमरा मिला जो मतलब खाली है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे दो तीन ही हैं बैठे हैं, तो ये मुझे बनाने के लिए मिला वीडियो। सो फ्रेंड्स, बाहर सभी रेडी हो चुके हैं रात के लिए, तो बारिश फिलहाल तो रुक चुकी है। और ये यहाँ पर ये रूम खाली रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये ड्राइंग रूम है तो उसमें कोई आता नहीं है। गेस्ट आते हैं वो चले आते हैं, तो बाहर वो सारे तैयार हो चुके हैं, तो वो सभी बाहर चले आते हैं। और बाहर मतलब अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, तो सभी मतलब जा रहे हैं, तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि बारिश है, तो बारिश में क्या मैं क्या करूँ जाके। और बाहर मामू जी बैठे हैं, वो तैयार हो चुके हैं, बस गोड़ी को जो चने देने हैं, जो भी दाल देनी है, उसके बाद सीधे रवाना हो जाएंगे बारात के लिए। तो मैं नहीं जा रहा। गार्डविक से मिलो, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं प्यामे कुत्ते के साथ, एकदम पग फुल HD। सो गाइस, यार ब्रांच चली गई है और हम अभी फिलहाल तो घर पे हैं। मैं तो जाऊंगा क्योंकि बारिश लगी थी, मैं जाऊंगा नहीं। और हमने खूब नाचा, थक चुके हैं, और यह हुलिया पूरा बिगड़ चुका है नाच नाच के, इतना नाचा है, और इनका भी घर। और फिलहाल तो अभी हम घर पे हैं, अभी हम घर पे नाचेंगे एक बार फिर से, तो बहुत मजा आने वाला है। तब तक वीडियो को कर दो लाइक, चलो कर दो सब्सक्राइब, फटाफट करिए। सो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं, और फिलहाल तो मैं डांस करके आया हूँ, मतलब थक चुका हूँ और मुझे बहुत नींद लग रही है। तो ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को दो सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।